कि आप मेरी एंगेजमेंट रिंग छुपा देंगी तो मेरी एंगेजमेंट नहीं होगी? बोलिए। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये अंगूठी मेरे पल्लू में कैसे आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सगाई की रस्म है और सगाई की अंगूठी हमें मिल गई है। पर माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैं जानती हूँ गोपी बहू, तुम्हारे बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? एक मिनट, ये क्या है जी? पता नहीं ये कबर कैसे मेरे बालों में आ गया। तो पता रखा करो और सावधानी भी बरतो। कोयली जी। माँ। कोयली मुझे वो ठीक करने के लिए तेल चाहिए। तेल चाहिए, लेकिन क्यों? और आप परेशान लग रही है, बात क्या है? क्या ठीक करने के लिए? अब याद करके बताइए कि आपके कौन सा वाला तेल चाहिए, मालिश करने वाला तेल या फिर जो रसोड़े में इस्तेमाल होता है वो तेल? तेल? तेल क्यों? मुझे तेल विल नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप ही ने अभी मांगा था, आप सोच के बताइए। और हाँ, आप परेशान क्यों लग रही है, क्या बात है? वो परेशान थई गई छू। और तू क्या तेल तेल कर रही है? मुझे तेल विल नहीं चाहिए। हम अनीता से प्यार करता है, आप जानती थी फिर भी? किंजल, बच्चा अगर माँ से जहर मांगे ना तो माँ जहर कैसे दे सकती है? बेटा, माँ कभी भी अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कहती हूँ बेटा, अपनी माँ पर भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगी। देखो बेटा, ठाकुर जी ने चाहा तुम्हारी भी अच्छी जोड़ी बनेगी, तुम्हें भी अच्छे सासरे वाले मिलेंगे, और इसके अलावा मुझे मेरी परवरिश पर भरोसा है कि मेरी बेटी किंजल। एक बात कहूँ, आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी में सोनल को अपने बहू बनाने का जो फैसला लिया है उसे आप संतुष्ट तो हैं ना? मेरा मतलब, जिगर और सोनल के बीच ना कभी दोस्ती का रिश्ता रहा और ना ही कभी आपकी और आपकी सहेली के बीच समधन बनने की इच्छा दिखाई पड़। अब खोटू नहीं मानो मोटा भाभी, लेकिन किसी भी लड़की को बहू बनाकर लाना एक खास फैसला होता है, इसीलिए तो मैंने अपने दिग्रहण के लिए ठोक बजाकर बहू चुनी है। और एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि सोनल आपको सास का स्थान दे सकेगी। तो सारुच्छन, मुझे उसकी माँ का स्थान चाहिए। हर कोकिला, जिगर ने सोनल को पसंद कर लिया है, उसकी पसंद हमारी पसंद, चले? हाँ। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग अवश्य होते हैं जो उनको डीमोटिवेट करते हैं, और आपकी जिंदगी में भी अवश्य होंगे ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं और उनसे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो आपको डीमोटिवेट करते हैं वो हमारे या आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, क्योंकि वो डीमोटिवेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप ये काम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और आप क्या करते हो, आप लोग उनसे जल्दी से डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और उनको मतलब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आपको वो काम और करके। तो प्लीज़ डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, ऐसे लोगों को अपना दोस्त समझिए, जो कि देखिए मेरे दोस्त भी मेरा वहाँ बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं, चलो। तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। जय श्री कृष्णा गाइस, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो यार जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली साथ निभा साथ की यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ।
अपने यूट्यूब चैनल पे, छोटा कोकिला मोदी पे भी, और मेरा एक सेकंड चैनल है कोकिला मोदी एक्स्ट्रा, उस पर भी मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करो जिसने नहीं कर रखा है जल्दी से, तो प्लीज़। और हाँ, अगर मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे आके मिलें, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे DM करें और वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं वहाँ पे लाइव भी आता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब मेरे अबाउट में मिल जाएगा, सब जगह आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ जल्दी से जाके आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, और मेरा सेकंड चैनल कोकिला मोदी एक्स्ट्रा, उसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जल्दी से यार अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच।